राज्य सरकार के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों का आवागमन जारी है और इसी कड़ी में मंगलवार को टोंक के निवाई में 426 प्रवासी श्रमिकों को बिहार के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सभी बसों को सैनिटाइज भी किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों को भोजन पानी भी वितरित किया गया। इसके अलावा मेडिकल टीम ने सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की, जिसके बाद बसों को रवाना किया गया। संजय, कूपन टोकन नहीं, खाने का कूपन।